Dear students, we got another logical reasoning question in comments. Let me share it. ये भी एक अच्छा question है. इसमें भी आपको informations given है कि some desks are caves. आपने desk सुना तो desk ले लें. फर्ज करो मैं desk ले रहा हूं D, D, D और D. मैंने 4 desks लिए. अब जो ये कह रहे हैं वो plot करें. ये कहते हैं कि सारे नहीं, ये सारे डेस्क नहीं, इनमें से कुछ डेस्क केव्स हैं. कुछ डेस्क को आपने केव्स कहना है. तो फर्ज करो ये हैं, ये वाला डेस्क भी केव है, ये वाला डेस्क भी केव है. फर्दर मोर आप गौर तो करें, क्या इन्होंने कहा है कि सारे केव्स डेस्क हैं? ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है. ऑल केव्स आर डेस्क, वी हैव नो इंफॉर्मेशन. सो मैं यहां स्टॉप नहीं कर सकता. और मैं केव्स को एक या दो कुछ ज्यादा लेना जरूरी है. एनीहाउ इन्होंने डेस्क का जिक्र किया, मैंने डेस्क ले लिए. फिर इन्होंने कहा कि सारे डेस्क नहीं, इनमें से कुछ केव्स हैं. लेकिन ये नहीं कहा कि सारे केव्स डेस्क हैं. तो मैंने कुछ डेस्क को केव्स कह दिया, लेकिन चूंकि सारे केव्स डेस्क हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूंगा बिकॉज जो पॉसिबल है उस तरफ जाऊंगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट आप गौर से देखें. इस नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कह क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नो केप इज रेड. नो केप इज रेड का मतलब है कि केप और रेड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. तो रेड हम कहीं और उड़ा करेंगे. फर्ज करो ये है रेड, रेड और रेड. 4 ले लें, 5 ले लें, क्योंकि कोई केप रेड नहीं है, अलहदा ड्रा करेंगे. अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं. अब इन स्टेटमेंट्स में मत सोचें, मैं मेथड जो ये बता रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि कंक्लूजन्स को डिसाइड करने के दौरान कि ये ठीक है या गलत, ये ठीक है या गलत, आप स्टेटमेंट में ना उलझें. इसको सोचकर डिसीजन करना मुमकिन ही नहीं है. और इन स्टेटमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को सैंपल्स में कन्वर्ट करना, फिर सैंपल्स को देखकर डिसीजन करना, ये आसान है. इट इज द मेथड. लेकिन हर क्वेश्चन का अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, तो आंसर तो डेफिनेटली अलग आएगा. वो तो थोड़ा तो आपने सोचना भी होगा असेंबल से. जिसमें सम केप्स आर, कंक्लूजन, सम केप्स आर डेस्क, पहला कंक्लूजन. तो देखो आपको नजर आ रहा है ये केप डेस्क है, ये केप डेस्क है, लेकिन ये केप डेस्क नहीं है. इसका मतलब है कि वाकई कुछ केप्स जो है वो डेस्क हैं, वो डेस्क हैं. तो ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन ठीक है. अब सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं कि नो डेस्क इज रेड. मैं देखते ही इसको गलत कह रहा हूं. रीजन क्या है? रीजन ये है डियर स्टूडेंट कि इंफॉर्मेशन को देखें, क्या कोई इंफॉर्मेशन डेस्क एंड रेड के दरमियान गिवन है? जब डेस्क और रेड को रिलेट ही नहीं किया तो मैं कंक्लूड कैसे कर सकता हूं कि कुछ रेड डेस्क है, कुछ डेस्क रेड है, सारे रेड डेस्क हैं, सारे डेस्क रेड हैं, ऐसा कुछ कैसे कंक्लूड कर सकता हूं जब आपने मुझे डेस्क और रेड का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया. जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन ना हो, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट दैट. तो बिला झिझक, बिला सोचे समझे, नो डेस्क इज रेड गलत है. नो रेड इज डेस्क, नो डेस्क इज रेड, ऑल डेस्क आर रेड, ऑल रेड आर डेस्क, सम डेस्क आर रेड, सम रेड आर डेस्क, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग बिकॉज वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्क एंड रेड इन द गिवन इंफॉर्मेशन. सो ये बिल्कुल गलत है. एंड आई विल प्रेफर के करेक्ट आंसर है ओनली वन फॉलो. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.